सी बेड के ऊपर पानी चला गया था, ऊपर ऊपर जो कपड़ा था सब भीग गया। खाने खाना खाने अपनी कपड़े होगा उनको लेके जाके। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नीला मालक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सुबह का गेस 10:30 हो गए। देखो अभी तक ये सब सामान अभी इकट्ठा कर रही बिखरा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है, और सुबह की है मॉर्निंग, और मॉर्निंग क्या हुआ, 10:11 हो गया है। और हम लोग अभी मतलब नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, भाभी के घर से ही अभी नाश्ता वास्ता हमारा हो रहा है। और हमारी घट्टी कैसे दिख रही है, थोड़ा सा पास में लाइए, ज्यादा दूर है। और सारा सामान बिखरा हुआ है, देखिए अभी सब बर्तन वर्तन सब निकाली हूँ, ड्रम में था और इस गोनी में पूरा सामान था। दिखा दीजिए, इस गोनी में पूरा सामान था, ज्यादा है, पूरा भरा हुआ था, सब वही सब निकाली हूँ। देखिए इधर इसमें कैंची उची था, ये कैंची उची है। तो ये देखिए पोछा क्या होता है ना, बारिश का सीजन है, पोछा पैर पोछने के लिए ना कितना भी रहे तो कम पड़ जाता है। तो ये देखिए मैं गोनी मंगाई हूँ, एक बना दी हूँ और एक इधर बनाने के लिए है, इसको भी जा रही हूँ बना दूंगी, सिल दूंगी ना तो ये फटेगा नहीं जल्दी, ज्यादा दिन चलेगा, तो इसी को सिल के बना देती हूँ। बहुत ज्यादा पानी छूता है ना इसीलिए, और इसको सिल के बना दूंगी। और बहुत सारा काम करना है, काम क्या है ये सब, मतलब जो बेड वेड है, साड़ी उड़ी सब देखिए फैलाई हूँ, दिखा दीजिए साड़ी सब देखिए फ्रेंड्स फैलाई हूँ। हाँ तो सब यही फैलाई हूँ, जब सूख जाएगा तो सब थोड़ा मोड़ा हवा लग जाएगा बस, क्योंकि आ रहे थे हम लोग ना तो बारिश पड़ा ना, तो बेड के ऊपर इसी बेड के ऊपर पानी चला गया था, तो ऊपर ऊपर जो कपड़ा था सब भीग गया था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। तो उन लोग को सुखा के इसमें रख दूंगी अंदर पैकिंग करके, और इस ड्रम में सब सामान और जो बाकी रहेगा रख दूंगी। उधर मेरा बड़ा वाला बैग है काला वाला, उसमें भी अभी सामान करके रखना है। और बाकी ऊपर दिखा दीजिए राशन पानी सब भरा गया है, और कल सब कुछ सामान लाई थी सब लाई थी फ्रेंड, सब कुछ ला दिया है, कुछ लाना नहीं है। और 2-3 हजार आते ही पूरा 2-3 हजार रुपए खर्चा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। उधर रुक जाइए दिखा रहे, देखिए आलू टमाटर भाजी केला आम सब वही लेते लेते लहसुन प्याज, और इतना महंगाई हो गया है ना फ्रेंड्स, क्या ही बताऊं, यही सब लेने में। और उधर देखिए चना है और मटर है और सब कुछ जो राशन पता ही होता है, आप लोग जानते ही हो, चीनी दाल नमक हर एक चीज लेना पड़ता है, सब कुछ लेते लेते और सब 2-3 हजार रुपए तक हो गया खर्चा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बाटला भराना है, बाटला की प्रॉब्लम है, तो अभी अपने पास पैसा नहीं है बाटला भराने के लिए, तो सोच रहे हैं कि कैसे चलाते हैं। तो अभी भाभी के घर पे ही खाना बन रहा है, देखते हैं कब तक बनता है। भाभी का एक छोटा बाटला है उसको भराएंगे हम लोग कैसे करके, और खाना बनाएंगे। तो चूल्हा भी मेरे घर पे ही है लेकिन बाटला नहीं है, तो इसीलिए खाना नहीं बन पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, इस पोछा को बना लेते हैं, और बहुत कुछ काम करना है आप लोगों को बता ही, सब रखना अपना है। और अवनी अपने में मस्त है, अवनी आर्या का याद आ रहा है, अवनी आओ तो इधर, अवनी आर्या कहाँ पे है? बोले आलिया घले हैं, आलिया घले बहुत ज्यादा मस्ती करती थी आलिया के संग। तो चलिए फ्रेंड्स काम कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सब काम हो चुका है, और सुबह से काम करते करते अभी टाइम मिला है, और मेरा पूरा रूम अब सेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। देखिए अवनी के पापा सोए हुए हैं, और पूरा इधर सरक गया है कम्बल, और रूम सेटअप हो गया है, और बाकी सब कपड़ा है रूम में, इसलिए कि बारिश है तो आप लोग जानते ही हो कि कपड़ा सुखाना रहता है। और देखिए उधर बस बाटला लाना है, और बर्तन वाला जो है उसको लाके मतलब लगाना है, जिसमें बर्तन हम लोग का रखना है तो वही बस लाके लगाना है। और देखिए इधर सुभी है, इधर सौम्या है, इधर अवनी है, सब लोग आई है मेरे रूम में। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने, बिट्टी खाना हो गया है ना? तो अभी हम जाएंगे खाना खाने। और सबसे अच्छी बात है देखिए अवनी के पापा के लिए मैं हैंगर लाई थी कल खरीद के, तो इसके लिए इनका कपड़ा एक तरफ रहेगा ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा रहेगा कि इनका कपड़ा एक तरफ सोए हुए कम्बल उम्बल ओढ़ के, और इधर मेरा कपड़ा रहेगा। अपनी बिट्टी मत, मिट्टी बिट्टी मत, उसको उसको पूरा भीगा हुआ है, अपनी छोड़ इसको छोड़ इधर।
तो देखिए बर्तन बिर्तन है इधर, तो थोड़ा उठा के रखना है। और इसमें मैंने चावल रख दिया है और आटा इसी में है, पैकेट का भी है, इसलिए कि डब्बा भाभी के पास है तो देखते हैं भाभी से डब्बा लेते हैं तो रखेंगे। और इधर देखिए अभी चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं। चलो तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं खाना खाने। खाना वाना खाने के बाद तो हम आप लोगों से मिलते हैं, नहीं तो देखेंगे वैसे ब्लॉग समाप्त कर देंगे। अभी चले आओ चले आओ, चलो चलो सब लोग रखो, उसपे रखो। तो चले फ्रेंड्स चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स हम लोग आए साना साने, चले खाना खाने। अनिक का पप्पा होगा उनको लेके जाके खाना दे देते हैं। देखिए जब खाना बना हुआ है तो खाना लेके और अनिक को पापा को दे देंगे। और थोड़ा बारिश अभी रुकी हुई है, अभी बारिश रुकी हुई है, भाभी घर में बाल झाड़ रही है। और ये देखे नंगा पुंगा होकर घूम रहे हैं। बोला देखिए ऐसा ही घूम रहे, ड्यूटी नहीं गए सुबह से ही। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में यही था, तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हो रही है बहुत ही तेज बारिश तो अभी इसीलिए, और देखिए बोल रही है बिट्टी, बोलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सही बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब नहीं रहना तो मैं उसको बाहर मिलती। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।